पानी परी थे वही में हेडलाइट वहाँ जारी हो गया। इधर है दादी, दीजिए तो जरा। मुंबई में क्या जारी हो गया है? मुंबई ने हेडलाइट हो गई है, पानी परी थे। अच्छा, पानी पड़ने की वजह से हेडलाइट। हाँ, हेडलाइट कच्ची कहा जाए, हेडलाइट ना। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। हम गवर्नमेंट से बात करते हैं और बोलते हैं कि देखिए हाई अलर्ट नहीं, अब उसका हेडलाइट नाम रहेगा। हाई लाइट का भाई, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट ना है रात से। हाँ, दो दिन पहले से। Hey guys, welcome back to the blog. कैसे हैं आप सब? अभी जिम खत्म करके आ चुकी, मंडे है तो हमारा चेस्ट डे था, तो जिम खत्म करके और अभी घर जा रहा हूँ, मगर ये बारिश की वजह से थोड़ा रुक गया हूँ। तो ये बारिश खत्म होगी तब घर पहुँचूंगा। घर का मैक्सिमम काम हो चुका है, बस अभी टंकी को कवर करना बाकी है, उसी में देरी है और बाकी सब फिनिश करने में, तो दो तीन दिनों का और काम है। सो गाइज, आज मैं बनाऊंगा अपने लंच में वही सारी चीजें जो कल रात में मैंने बचाई थी खराब होने से। ये है चरौरी जो दादी ने दिया है, उसको मैंने अभी ये देख के डाला है, इसको फ्राई कर रहा हूँ तेल के अंदर, तो ये थोड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ आज बनाऊंगा मैं ये, किधर गया भाई, किधर गया ये कोहरौरी। तो अभी दादी को फोन करके मैंने पूछा कि क्या प्रोसेस है कोहरौरी को बनाने का, उसने बताया है। इसके लिए मैंने ये प्याज काट के रखा है, मिर्च काट के रखा है, एंड लेट्स सी कि कैसा बनता है। जहाँ भी मैं अटक रहा हूँ तो दोबारा कॉल कर करके दादी से पूछ रहा हूँ। हाँ दादी, दो आदमी के लिए कितना डालेंगे इसको? पहले इसको फ्राई करके निकाल देंगे, है ना? ठीक है दादी, फिर फोन करते हैं। तो इस तरह से दादी की मदद ले लेके आज मैं खाना बनाऊंगा दोपहर का। ये मैंने छाना है चरौरी, एकदम क्रंची और टेस्टी सा। अभी हुआ ये है कि मुझे लगता है कि ये जो कोहरौरी है वो थोड़ा ज्यादा जल गया है, क्योंकि काला पड़ गया है ये। माँ बिजी हो क्या? ये देखो ना, ये थोड़ा ऐसा काला सा हो गया है। अरे यार, बहुत ज्यादा भून गया। जल गया है ना? अब गॉड नोज इसका टेस्ट कैसा आएगा, भगवान ही जाने। मैंने तो कोशिश करी मगर ये थोड़ा ज्यादा जल गया है, फ्राई ज्यादा हो गया। एक घंटे बराबर टाइम के साथ बनाने के बाद अभी मैं और अमित बैठे हैं यहाँ पे खाना लेकर के अपना। देखते हैं कि ये कैसा बना है। खाना खाने के बाद थोड़ा जल गया है, जलने का मुंह आ रहा है। इसका मुंह देखिए। ये डाल दिया उधर से। अच्छा गाइस देखिए, ये कैसे ज्यादा जल गया, वो उसका अंदाज नहीं मिला मुझे। ये चरौरी बहुत मस्त बना है, लेकिन वो थोड़ा सही हो गया। मैंने सोचा था खाने के बाद रिव्यू दूंगा, खाने के पहले या खाने में ही पता चल गया कि। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो रेंडर हो रहा है, मैं बना रहा हूँ ये फीटेड कॉफी। आज सुबह से ही मैंने कॉफी, एक कप भी कॉफी नहीं पिया है, ब्लैक कॉफी, दूध वाली कॉफी, कोई भी कॉफी नहीं पिया है। बाहर का कुछ ऐसा मौसम है, और ये देखिए वहाँ पे पेड़ काट रहे हैं कुछ लोग मिल करके, बारिश हो रही है तब भी ये सब लोग लगे हुए हैं, आज पूरे दिन में ये पूरा पेड़ काट रहे हैं। जितने भी स्विच खराब थे वो सब चेंज करवा दे रहा हूँ। अभी इसका एक स्विच खराब था, ये हो गया, ठीक हो गया, ये सब बराबर काम कर रहा है। उस कोने वाले सॉकेट को पूरा चेंज करा दूंगा अभी। क्या बोल रहे हैं भैया? पंखे चालू बंद करेंगे, पंखा खराब हो गया। अरे नहीं, तो वो चेक कर रहा हूँ ना सॉकेट को। इसमें सॉकेट और स्विच चेंज किए ना। और गाइस, मैं अभी नहा के निकला था थोड़ी देर पहले, और मेरा ये पूरा टी शर्ट जो है वो गंदा हो चुका है, क्योंकि मैं इसके ऊपर चढ़ के ये साइड वाला वायर मैंने निकाला, ये निकल नहीं रहा था, यहाँ पे लाइट लगवाना था इसके लिए, ये पूरा गंदा हो चुका है। क्या भैया, आपसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना हम। घर वगैरह में खुद से हाथ लगाना ही पड़ता है। तो आज सारे स्विच बोर्ड चेंज हो गए, सारे जो स्विचेस खराब थे, सॉकेट्स खराब थे, सब चेंज हो गया। और ये अमित के फ्लैट में खिड़की के साइड वाले दीवार पे देखिए पूरे तरीके से सिपेज आ चुका है। ये अलमीरे के पीछे भी सिपेज है, ये पूरा पानी से भीग चुका है। ये वॉलपेपर भी इसीलिए लगाया था क्योंकि इधर से पानी पूरा सिपेज होता था, तो इधर तो ठीक है, वो देखिए वहाँ पे पानी खा रखा है पूरा। और ये एरिया भी देखिए, बरसात के टाइम पे खास करके जब अगर आपके घर में इस तरह सिपेज का प्रॉब्लम है ना, तो इसका स्मेल होता है, वो बहुत ख़राब स्मेल होता है,
हमेशा आपको ऐसा लगेगा ना कुछ भीगा भीगा सा है, भीगा भीगा सा। करो ब्लॉगिंग करो बे, पनीर बनाया, पालक पनीर और रोटी। क्या बात है लांडे। बटर रोटी, बटर रोटी गाइस, ये है बटर रोटी। होटल में 15 रुपए की एक आती है, नॉर्मल रोटी नहीं है। यस, और ये पनीर का सब्जी, जैसे पालक पनीर, पालक पनीर है ये, और इसमें बहुत अच्छे से इसने बनाया है, बहुत मेहनत किया है बंदे ने। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे। दोपहर में मैंने इसको जला हुआ कोरोही खिलाया तो उस वक्त बेचारे ने ऐसे मन दाब के खा लिया दोपहर में, बट अभी जो बनाया है ना बेहद लजीज है, इसको खाते एंजॉय करना भाई, करना। विक्की आर्टिस्ट हो रही है भाई। अब एक बात मिमिक्री करने की नहीं है, करना विक्की, अबे करना। गाइस अभी अमिताभ बच्चन का इतना बढ़िया मिमिक्री कर रहा था ये, मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया शर्मा गया ये। क्या बात है, क्या नजारा है, ये ग्रीनरी, ये लाइट्स, वाओ, ये चमकते चमकते रोड क्योंकि बारिश हो रखी है। खाना खाने हम, और ये चमकते हम। खाना बहुत हैवी हो गया था तो सोचा चलो थोड़ा टहल लेते हैं, और अच्छी बात ये थी कि अभी बारिश नहीं हो रही है इसलिए हम टहल भी सकते हैं, तो थोड़ा ये सामने वाले गोल चक्कर तक ही टहलेंगे और टहल के फिर अपने अपने घर जाएंगे सोने के लिए। इट्स 12 o'clock, तो नींद भी आ रही है, बट टहलना जरूरी था ब्रो। इधर तो बाजार ही नहीं है, ए मूर्खा, इधर बाजार नहीं है, खिड़की पे आया, सिर्फ जंगल है, जंगल। इधर पूरा अंधेरा और डार्क जंगल है, अगर इधर से अचानक लेपर्ड आ गया तो तू क्या करेगा विक्की? मैं छाता खोल दूंगा, उससे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किधर है, वो इधर है, इधर आ जाऊंगा। तो नहीं, नहीं भाई, भागने वो देगा भी नहीं, ठीक है। तो लड़ो लेपर्ड से, या तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे हम, शहीद कहलाएंगे। फिर ये रोड मेरे नाम हो जाएगा क्या, अमित वर्मा पाथ। हाँ है ना, अमित पाथ, अमित पाथ, और फिर मैं इधर आकर के सुसु कर दिया करूंगा। कोई पूछेगा किसका, ए तू यहाँ पे सुसु क्यों कर रहा है, मैं बोलूंगा साले मेरे दोस्त का रोड है। तो आज अमित के घर से ये हेलमेट भी लेके आ गया मैं, सब कुछ अमित के घर पे धीरे धीरे जो मैंने रखा था वो सब अब मेरे घर पे वापस आ चुका है। आजकल तो अमित के घर पे जाना भी होता है तो बाइक से ही, यहाँ से मैं निकलता हूँ पीछे के रास्ते से घूम करके और अमित के फ्लैट पे जाता हूँ और फिर वहाँ से वापस आता हूँ ऐसे ही, क्योंकि सामने वाले, मैंने आपको पहले ही बताया, सीपेज की वजह से प्रॉब्लम है। सो यही है कहानी जो मुझे आप लोगों को है सुनानी। वाह वाह क्या बात है। मैक्सिमम 2 दिन और ये सब कुछ हट जाएगा, फिर मैं सोफ़ा यूज़ करने लग जाऊंगा। ये अभी कबाड़ा बना हुआ है, वॉशिंग मशीन टीवी के जस्ट सामने है, मगर ये सारा मेस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये देखिए, ये टूट गया कल, मैं जब घर आया तो देखा वहाँ से ये उखड़ गया है, क्योंकि वो वाला जो एरिया है ना वो पानी खा के रखा है, तो इसकी वजह से अब इसको भी डलवाऊँगा। ये जितना भी मेस है बहुत जल्दी सब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, जो आज निकाला है सब और सब चेंज किया है इतना। वैसे पता है एक कहावत है कि करत करत अभ्यास पत्थर पे पड़त निशान, इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को कोशिश करते रहोगे ना तो पत्थर जैसे हार्ड चीज़ों पे भी निशान बन जाती है छोटे से रस्सी से। कहने का ये मतलब है कि मैं जिम करता हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं वर्कआउट करता हूँ, 1-2 महीने वर्कआउट करा, उसके बाद 15-20 दिन की बीच में गैप हो गई, तो इस वजह से मेरी बॉडी बनने की कोशिश करती है और फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिलहाल जैसे मैं अभी, ये मेरा आर्म्स आप देख सकते होगे, तो ये अभी क्या है, पिछले 3 हफ्ते में, सिर्फ 3 हफ्ते में मैंने अपने पुराने वाले स्ट्रेंथ को वापस पा लिया है। यही सेम चीज़ लागू होती है एक्टिंग के लिए भी। मेरी एक्टिंग फील्ड में जो भी पहले की पढ़ाई रही है वो सब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा धुंधला होता हुआ जा रहा है। कोई एक्ट अगर मुझे मिले या कोई कैरेक्टर ऐसा मिला तो वो मैं कैसे पोर्ट्रे कर पाऊँगा या नहीं हो पाएगा। मैं हर तरह के कैरेक्टर को करता था और बहुत सी चीज़ें थी। आज मुझे इस बात को मैं बैठ के सोच रहा था तब समझ में आया कि प्रैक्टिस तो बिल्कुल छूट गया है ना मेरा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग को लेकर के प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो धीरे धीरे मरता जा रहा है, मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। और अभी इस वक्त रात में 1 बजे मैं आप लोगों से ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। लेट इट बी, अभी प्रोटीन ख़त्म करते हैं और सोते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टड़ा, बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय, टेक केयर गाइज।